हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं व्हाइट सॉस पास्ता विद क्रीम ऑफ मशरूम्स। सबसे पहले हम व्हाइट सॉस बनाएंगे। व्हाइट सॉस बनाने के लिए हमने एक बर्तन में 300 ml दूध लिया। इस दूध को एक बार उबाला। जब तक ये दूध उबल रहा है तब तक हम दूसरी गैस पर अपना पास्ता बॉईल करने रख देंगे। उसके लिए हमने एक गहरे बर्तन में थोड़ा पानी ले लिया, उसके अंदर हमने डाला आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा ऑयल और इसको गर्म करने गैस पर रख दिया। अब हम दूध में ऐड करेंगे एक तेज पत्ता, दो छोटे कटे प्याज और दो लौंग। ये तीनों चीजें दूध को हमारे एक अच्छा फ्लेवर देंगी। तो दूध उबलने के बाद हम 2-3 मिनट तक इन तीनों चीजों को दूध के अंदर ही डले रहने देंगे और इसको पकाएंगे। हमारा पानी गर्म हो गया है तो हमने इस पानी के अंदर पास्ता ऐड कर दिया बॉईल होने के लिए। इसको एक बार चला देंगे हम और ढक के रख देंगे जिससे कि ये अच्छे से बॉईल होके पक जाए। देखिए हमारा दूध भी बॉईल हो चुका है। अब हम इसको साइड पर गैस से उतार कर रख देंगे। हमने एक पैन लिया, पैन के अंदर गर्म होने के बाद हमने डाला ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून बटर। मैं यहाँ सॉल्टेड बटर यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो देसी घी या कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। बटर मेल्ट होने लगा है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मैदा। इस मिक्सचर को कंटिन्यूअसली हम चलाएंगे जिससे कि जो बटर है हमारा मेल्ट भी हो जाए और एक स्मूथ मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाए ये दोनों चीजें। देखिए इस तरह से इसको हम कंटिन्यूअसली चलाएंगे। इसको हम तब तक चलाएंगे और गैस पर ही रखेंगे जब तक कि इसका मिक्सचर का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन ना होने लगे। हमें गैस का ध्यान रखना है, हमने जो फ्लेम रखा है इसको बनाते वक्त वो मीडियम रखा है। देखिए हमारा पास्ता को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे तो इसको पकने में अभी टाइम है बट एक बार हम फिर भी इसको चला देते हैं। इस तरह से इस मिक्सचर को चलाते रहेंगे। देखिए इसका हल्का हल्का कलर आना शुरू हो चुका है। थोड़ा और हमने इसको पकाया। अब देखिए गोल्डन ब्राउन कलर बिल्कुल इसका आ चुका है। अब हम जो हमने दूध उबाल के रखा है हम वो दूध एक छन्नी से छान के इसके अंदर डालेंगे। हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई लम्प्स ना रह जाए, कोई गांठें ना पड़े। तो हम थोड़ा दूध डालेंगे फिर इसको चलाएंगे और फिर हम बाकी का दूध डालेंगे। देखिए हमने सारा दूध ऐड कर दिया। अब इस मिक्सचर को हमें काफी अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा जिससे कि ये जो अभी हमें दूध अलग और मैदा अलग दिख रहा है वो चीज ना दिखे और ये अच्छे मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाए, स्मूथ बैटर में कन्वर्ट हो जाए। ये
ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और बहुत पेशेंट से हमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी अच्छी क्रीम बनेगी उतना ही अच्छा टेस्ट आपका व्हाइट सॉस पास्ता में आएगा। देखिए धीरे धीरे ये कन्वर्ट होने लगा है। हमारा व्हाइट सॉस ऑलमोस्ट रेडी है, इसको थोड़ा सा और पकाएंगे हम और उसके बाद इसको हम फ्लेम से हटा देंगे। देखिए कितना स्मूथ व्हाइट सॉस बना है हमारा। ये देखिए व्हाइट सॉस रेडी है हमारा, हमने इसको फ्लेम पे से उतार के रख दिया और एक पैन ले लिया। जब तक पैन गर्म हो रहा है हमारा तब तक हमने अपना पास्ता चेक कर लिया। पास्ता वैसे तो अभी हुआ नहीं है लेकिन आप फिर भी एक बार निकाल के इसको चेक कर सकते हैं कि स्मूथ हो गया या नहीं हुआ है। थोड़ी देर और पकना है अभी इसको। तब तक हमने अपने पैन में एक टेबल स्पून बटर लिया है, सॉल्टेड बटर। उसके अंदर हमने 8 से 10 लहसुन की कलियां बारीक काट कर डाली है। इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे जब तक लहसुन का वो जो कच्चा वाला फ्लेवर टेस्ट जो होता है वो ना चला जाए। लगभग 30 से 40 सेकेंड लगेंगे हमें इसमें। फ्लेम हमने मीडियम लो ही रखनी है, इसमें भी हाई फ्लेम पे हम कुछ नहीं बनाएंगे इसमें। इसके बाद हमने लगभग 200 ग्राम मशरूम्स काट रखे थे, हमने वो भी इसमें ऐड कर दिए। इस मिक्सचर को हम अच्छे से चलाएंगे जब तक कि जो हमारे मशरूम है वो सॉफ्ट ना हो जाए। 3 से 4 मिनट पकाएंगे इसको हम मीडियम फ्लेम पर। तीन चार मिनट के बाद हमने इसमें डाला 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इस मिक्सचर को हम थोड़ा अच्छे से पकाएंगे। इधर हमारा पास्ता ऑलमोस्ट हो चुका है बॉईल। ये देखिए, तो हमने इसका एक्सेस वाटर जो था एक छन्नी की हेल्प से निकाल दिया इस तरह से। इधर हमारे मशरूम्स भी थोड़े और पकेंगे। हमारे मशरूम्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। इसमें हमने पास्ता ऐड कर दिया। अगेन इस मिक्सचर को हमने अच्छे से मिक्स किया, मिलाया। गैस का फ्लेम हम अभी भी मीडियम लो लेकर चल रहे हैं। जो हमारा सॉस था व्हाइट सॉस जो हमने अभी बनाया था, हम वो भी इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर देंगे। और इस मिक्सचर को अच्छे से हम मिक्स करेंगे जिससे कि पास्ता के ऊपर व्हाइट सॉस की कोटिंग अच्छे से हो जाए। पास्ता हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसको थोड़ा सा और क्रीमी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। मैं इसमें 3 से 4 चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूं। आप चाहें तो इसको ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं।
फिर अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे जिससे कि क्रीम जो है वो पूरे पास्ता के अंदर मिक्स हो जाए। क्रीम ऐड करने से इसका टेक्सचर और भी क्रीमी और स्मूथ हो जाएगा, पास्ता और भी टेस्टी और यमी हो जाएगा आपका। इसके ऊपर अब हम ऐड करेंगे थोड़ी सी मिक्स्ड हर्ब्स सीजनिंग्स। आप चाहो तो इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हो, मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, बट अगर आप चिली फ्लेक्स खाते हैं तो आप इसमें ऑफकोर्स ऐड कर सकते हैं। रेडी है हमारा द यमीएस्ट एंड द क्रीमीएस्ट व्हाइट सॉस पास्ता विद द क्रीम ऑफ मशरूम्स। देखिए कितना अच्छा बना है, आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।